Hi guys. My name is Sapna. My name is Saransh. Welcome to our channel. Siblings Reaction. हाँ जी, so आज हम उस चीज पर रिएक्ट करेंगे जिसके टीजर पे हम पहले रिएक्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे दोबारा जाइए और जाके उसका टाइटल डालिए, सूरा राय पोत्रू का। और so आगे ट्रेलर अभी आया है, टीजर आया था जब हमने उस टाइम पे रिएक्ट और किया, तभी पता लग रहा था कि मूवी के अंदर कुछ हलचल है एंड लग रहा था कि काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रही थी मूवी हमारे अंदर। फार्मर्स के लिए लड़ रहे थे आई गेस ही उसके अंदर। नो, इट वाज काइंड ऑफ आई थिंक कंसेप्ट तो था, एयरलाइंस लग रहा था हमें, बट वही ऊंचा उड़ान भरने का वो थोड़ा दिखाया गया था। वो मेरे को किसी ने बताया था कि ये ना मतलब किसी एयरलाइन से रिलेटेड ही है कुछ, उसी मतलब कौन सी एयरलाइन थी यार, स्पाइसजेट या कोई एयरलाइन थी, किसी ने विजय माल्या ने कमेंट में बताया था, टाटा या ऐसे कुछ आई थिंक थी कोई एयरलाइन, उसके ऊपर ही बनी है। एनीवेज यू नो, वो जस्ट टीजर था एंड टीजर में ज्यादा चीजें पता नहीं लग पाती एंड दिस इज द ट्रेलर, तो ट्रेलर में हमारे को हो सकता है थोड़ा सा लेट है रिएक्ट करने में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन देर आए दुरुस्त है लेकिन हम कर रहे हैं फाइनली रिएक्ट और अभी तक हमने देखा भी नहीं है ट्रेलर एंड वी आर कम्प्लीटली एलियंस अबाउट इट। सो बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, बिफोर वी बिगिन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो रिंग द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो सी ऑल द प्रीवियस वीडियोज दैट वी हैव मेड टिल डेट। Apart from that, you can also follow us on Instagram. Our Instagram handles are given on the screen, Saransh and Sapna. So, aap jaiye wahan par and suggest us more videos on which you would like us to react on. So, go and just message us jaldi jaldi and let us know kis pe hum log react kare agli video. Yup. So, let's start the video. राजांगम पेर कैटे ஏர் ஓட்டுறவனும் ஏரோப்ளேன்ல போவோம். உன்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ல நான் கையெடுத்து போட முடிஞ்சாலும் நான் போட மாட்டேன். வேற என்ன பண்ணலாம் யோசிப்போம். 4 கோடி ரூபாய் தான் போதும். கழுது ஏறப்பட டிக்கெட் இதுல 1000 ரூபாய் டிக்கெட் வித்து லாபம் பார்க்க போறீங்களா? டிக்கெட் மேல வெறும் 1 ரூபாய். அப்போ அவனே நசமா போயிருவான். உங்க உயிரோட விலை அரை கத்திக்கு சமமா? பிளைட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய பணம் தேவை. பணம்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. 24 அவனோட பிளேன் லேண்ட் பண்ண கூடாது. मार्क जैसा मैंने मतलब एक्सपेक्ट करा था अपने माइंड में, कि मैं ये चीज सोच रहा था शायद हो सकता है कि जो कुछ ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा चीजें नहीं बता सकते क्योंकि उनमें सस्पेंस छुपा होता है और वो मूवी में ही बताई जाती हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लग रहा था ये बायोपिक लग रही थी मेरे को एंड इट वाज गुड। बट हाँ, मैं थोड़ा सा और चाह रहा था इसके अंदर कि मेरे को थोड़े और ग्लिम्प्स दिखते और जानने को मिलता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और दिखाएंगे तो फिर फिल्म नहीं पता लग जाएगी। मतलब जैसे कि यू नो, इसमें बहुत ही इसमें देख, इस वीडियो से ये पता लग गया कि ये एयरलाइन आई थिंक डेकन एयर के जो ओनर थे उन पे बेस्ड है। तो आई थिंक इतना ही बहुत है, इसी से पता लगता है कि सर इज सच अ स्ट्रांग पर्सनालिटी ना, कि देख के ही लगता है सामने बंदे को कि हाँ यार कुछ
कोई स्क्रिप्ट आने वाली है, तगड़ी सी कोई स्क्रिप्ट आने वाली है एंड वो स्टोरी देखने में मजा आएगा। हाँ, इसमें भी जो इनका कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही पावरफुल लग रहा है और लग रहा है बहुत मेहनत करी है इसमें। मेहनत तो यू नो हर साउथ इंडियन एक्टर जो भी ले लो, चल भी नहीं रही है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से डेकन हेयर अब। एंड इज इट अ बायोपिक, ये भी हम लोगों को बताइए, बिकॉज़ वी लव टू नो अबाउट इट एंड मोर फैक्ट्स अबाउट इट। सो हमारे को पता लगेगा, हमारे को नॉलेज मिलेगी, बिकॉज हम लोगों को ऑब्वियसली इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है, तभी हम आप लोगों से पूछते हैं और हमें कमेंट्स के थ्रू जानने को मिलती है बहुत सारी चीजें। या राइट, एंड हम चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं, टीचर ने सिखाया। मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। आई थिंक डेकन हेयर से रिलेटेड मैं कुछ बोल रही थी कि वो बंद हो चुकी है शायद या चल रही है, अब आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने मुझे जो लगता है कि आई थिंक बंद हो चुकी है वो, क्योंकि मैं एयरलाइंस मतलब अपनी फ्लाइट्स जब बुक करती हूँ तो मुझे डेकन हेयर दिखती है। नहीं दिखती ना, तो ये उसी की ही बायोपिक लग रही है कहीं ना कहीं। हाँ, ये उसी की स्टोरी में जाके पता लगेगा एक्चुअली में, कि मूवी देख के ऐसा भी लग रहा था कि थोड़ी सी मोटिवेटिंग होगी। कम चीजें दिखाई जाती है जैसे एमएस धोनी वगैरह हो गई ना, एक्चुअल में लगता है ट्रेलर देख के कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बंदा सोचता रह जाता है, बंदा सोच सोच के पागल हो जाता है। जब मूवी आती है तो पता लगता है कि ये मोटिवेशन का भंडार था। जैसे कि एमएस धोनी जब आई थिएटर्स पे रिलीज हुई, लोगों ने देखी, एंड मैं आज की डेट पे भी एमएस धोनी टीवी पे देखता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, इस सच्चा मोटिवेटिंग मूवी कि मैं आज भी उसे देखना पसंद करता हूँ। तो उसी तरीके से जो है मूवीज बनती हैं जिसमें सक्सेस से रिलेटेड बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बार बार ट्राई, वो तो पार्ट है हमारी लाइफ का। आई थिंक 10 बार भी रिजेक्शन हो जाए ना तो आपको हारना नहीं चाहिए, 10 बार के बाद ना 11वीं बार भी ट्राई करो और पावरफुली ट्राई करो। आज हम ज्यादा सक्सेस की बातें और बड़े मोटिवेशनल इंस्पायरिंग टाइप की उसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मूवी कुछ इस टाइप की थी कि हम बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हमारा बन गया इस चीज पे। लाइफ रिलेटेड मूवी जितनी भी होती है ना जो मोटिवेट करती है, जैसे कि अब सर का हम सोल्जर वाला जो सॉन्ग है पवन कल्याण, सूर्या सर है और जल्दी से भी वेरी एक्साइटेड टू वॉच द मूवी ऑल्सो। एंड दिस इज इट, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।